बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैं आपको संस्कृत परिचायिका का प्रथम पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। उस पाठ का नाम है वाराणसी। इसमें बनारस के बारे में बताया गया है, बनारस कैसा है इसके विषय में है इसमें। तो देखिए, वाराणसी मतलब बनारस, वाराणसी मतलब बनारस। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी वाराणसी बनारस, सुविख्याता सुप्रसिद्ध, प्राचीना प्राचीन, नगरी नगर है। तो इसका अर्थ हुआ वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगर है। वाराणसी सुप्रसिद्ध विख्यात प्राचीन नगर है। आगे है इयम यह विमल स्वच्छ सलिल जल, तरंगाया तरंगों वाली, गंगाया गंगा के कूले किनारे स्थिता स्थित। तो इसका अर्थ हुआ इयम यह विमल स्वच्छ सलिल जल, तरंगाया तरंगों वाली, गंगाया गंगा के कूले किनारे स्थिता स्थित। अर्थ हुआ इसका यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। क्लियर है? आगे चलें। देखिए आगे, अस्या इसके घट्टा नाम घाटों की, फिर से देखिए, अस्या इसके घट्टा नाम घाटों की वलयाकृति, वलय का मतलब होता है केड़ी में, आकृति आकृति प्रकार तरह टाइप जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। तो देखिए, अस्या इसके घट्टा नाम घाटों की वलयाकृति टेढ़ी में ही आकृति वाली पंक्ति पंक्तियां, धौलायाम धौल का मतलब होता है स्वच्छ, धौलायाम स्वच्छ चंद्रिकायाम चांदनी में बहु बहुत राजते सुशोभित होती। फिर से देखिए, अस्या इसके घट्टा नाम घाटों की वलयाकृति टेढ़ी में ही आकृति वाली पंक्ति पंक्तियां, धौलायाम स्वच्छ चंद्रिकायाम चांदनी में बहु बहुत राजते सुशोभित होती। अर्थ हुआ इसके घाटों की टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाली पंक्तियां स्वच्छ चांदनी में बहुत सुशोभित होती। क्लियर? आगे देखें, अगणिता अनगिनत असंख्य, अगणिता अगणिता अ का मतलब नहीं, गणिता का मतलब गणना की जा सकती, मतलब असंख्य अनगिनत। तो अगणिता अनगिनत पर्यटका पर्यटक यात्री, सुदूरे भ्यः दूर देशे भ्यः देशों से नित्यम प्रतिदिन अत्र यहां आयान्ति आते हैं। अस्या इसके घट्टा नाम च, च निकालो आप तो च, और अस्या इसके घट्टा नाम घाटों की शोभाम शोभा को विलोक्य देखकर इमाम इसकी बहु बहुत प्रशंसन्ति प्रशंसा करते। फिर एक बार आप देखिए, अगणिता अनगिनत पर्यटका पर्यटक या यात्री जो भी आप लिखिए, फिर से देखिए, अगणिता अनगिनत पर्यटका पर्यटक सुदूरे भ्यः दूर देशे भ्यः देशों से नित्यम प्रतिदिन अत्र यहाँ आयान्ति आते हैं। च और अस्याह इसके घट्टा नाम घाटों की शोभाम शोभा को विलोक्य देखकर इमाम इसकी बहु बहुत प्रशंसा करते। क्लियर हुआ? अभी चलिए, वाराणस्याम वाराणसी में प्राचीन काला एव, प्राचीन काला देव हो गया है। तो देखिए फिर से, वाराणसी वाराणस्याम वाराणसी में प्राचीन कालात एव, प्राचीन काल से ही, एव का मतलब ही होता है प्राचीन कालात एव, प्राचीन काल से ही गेहे गेहे, गेहे का मतलब होता है घर,
गेहे गेहे घर घर में विद्याया विद्या की, दिव्यम दिव्य ज्योति प्रकाश द्योतते विद्यमान। देखिए आप जानिए, आज नहीं ये प्राचीन काल से ही वाराणसी को शिक्षा का केंद्र माना गया। प्राचीन काल से दूर दूर के विद्वान यहाँ आते थे, यहाँ अध्ययनरत रहते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे। उसी के विषय में लिखा गया है कि वाराणस्याम वाराणसी में प्राचीन कालात एव, प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्याया विद्या की, दिव्यम दिव्य ज्योति ज्योति या प्रकाश द्योतते विद्यमान। क्लियर। आगे चलिए, अधुना अपि, अधुना का मतलब आज, अपि का मतलब भी। अधुना अपि आज भी, अत्र यहां संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत साहित्य की धारा। वाग्धारा का मतलब, अब देखिए, अधुना अपि आज भी, अत्र यहां संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत साहित्य की धारा सततम लगातार प्रवाहती प्रवाहित होती है। ज्ञानम च, च निकाल लो यहां से आप, च और जना नाम लोगों का, मनुष्यों का, ज्ञानम ज्ञान वर्धयति बढ़ाती या बढ़ा रही है। फिर से देखिए आप, अधुना अपि आज भी, अत्र यहां संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत साहित्य की धारा सततम लगातार प्रवहती प्रवाहित होती है। च और जनानाम लोगों का, ज्ञानम ज्ञान वर्धयति बढ़ाती या बढ़ा रही, ठीक है। अत्र यहां अनेके अनेक आचार्या आचार, मूर्धन्या विद्वांस, मूर्धन्या का मतलब होता है प्रकांड, मूर्धन्या विद्वांस, मूर्धन्य विद्वान, प्रकांड विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक का मतलब वैदिक, वाङ्मयस्य का मतलब साहित्य, तो वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के अध्ययने च अध्यापने, अध्ययन और अध्यात्म अध्यापन में, इदानीं इस समय, निरता निरता का मतलब होता है लगे। फिर से देखिए आप, अत्र यहाँ अनेके अनेक आचार्या आचार, मूर्धन्या विद्वांस, प्रकांड विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के अध्ययने च अध्यापने, अध्ययन और अध्यापन में, इदानीं इस समय, निरता लगे। कहने का मतलब शैक्षिक कार्यक्रम उनका शाश्वत चल रहा है, रुका नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर व्यक्ति कई जन्म ले फिर भी वो साहित्य का अध्ययन नहीं कर सकता, साहित्य इतना विशाल, उसी के बारे में इन्होंने लिखा है। आगे चलिए, न केवलम भारतीया, केवलम भारतीया न, केवल भारतीय नहीं, देखिए ध्यान से सुनिए आप, केवलम भारतीया न, केवल भारतीय नहीं, अपितु बल्कि वैदेशिका विदेशी, गिरवाण वाण्या, गिरवाण का मतलब होता है संस्कृत, वाण्या का मतलब वाणी भाषा, गिरवाण वाण्या संस्कृत वाणी के या संस्कृत साहित्य के अध्ययनाय अध्ययन के लिए अत्र यहां आगच्छन्ति आते। फिर से आप देखिए, न केवलम भारतीया, बदल दीजिए, केवलम भारतीया न, केवल भारतीय नहीं, अपितु बल्कि वैदेशिका विदेशी, गिरवाण वाण्या संस्कृत वाणी के अध्ययनाय अध्ययन के लिए अत्र यहां आगच्छन्ति आते हैं। और आगे से निकाल लीजिए च, और निःशुल्कम, निःशुल्क बिना फीस के, विद्यां विद्या गृहणन्ति, ग्रहण करते। फिर से पूरा आप देख लीजिए कि केवलम भारतीया न, केवल भारतीय नहीं, अपितु बल्कि वैदेशिका विदेशी, गिरवाण वाण्या संस्कृत वाणी के अध्ययनाय अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। च और निःशुल्कम, निःशुल्क बिना फीस के शिक्षां ग्रहणं, विद्यां ग्रहणन्ति, विद्या ग्रहण कर। आगे चलिए, अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ,
इत्तेते, इत्तेते का मतलब ये, इत्तेते ये त्रयः तीन विश्वविद्यालयः विश्वविद्यालय सन्ति हैं। येषु जिनमें नवीनानां च प्राचीनानां, नवीनानां नवीन च और प्राचीनानां प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणां ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययनम अध्ययन प्रचलित चलता। फिर से आप देखिए कि अत्र यहां हिंदू विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम काशी विद्यापीठ, इत्येते ये त्रयः तीन विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय सन्ति हैं। येषु जिनमें नवीनानां च प्राचीनानां, नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणां ज्ञान विज्ञान विषयों पर अध्ययनम अध्ययन प्रचलित चलता। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलिए। देखिए आपकी संस्कृत वाणी से, आपके संस्कृत के साहित्य से मुगल युवराज दारा को भी बहुत ही इफेक्टिव हुआ, बहुत ही प्रभावित हुआ। और जब उसके पढ़ने की इच्छा हुई तो दारा सिको ने अपने विद्वानों से कहकर संस्कृत वाणी का ट्रांसलेशन जो है अनुवाद फारसी भाषा में करवा लिया पढ़ने के लिए। इतना रुचि रखता था और ये साहित्य भी ऐसा था कि लोगों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर देता, जुगुप्सा पैदा कर देता था जानने के लिए। तो वही दारा सिको ने किया, दारा सिको ने संस्कृत साहित्य का अनुवाद फारसी भाषा में करवा कर उसे पढ़ा। ठीक है, आगे देखिए आप। ऐसा नगरी यह नगर भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृत संस्कृत का कल्चर शब्द। फिर से देखिए, ऐसा नगरी यह नगरी भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषाया च, च निकालिए च, और संस्कृत भाषाया संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल संगम स्थल है, मिलन स्थल। दुनिया की कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो कि बनारस में न पढ़ाई जाती है, इसीलिए यहां पर ऐसा लिखा हुआ है। फिर से देखिए, ऐसा नगरी यह नगरी भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति च, और संस्कृत भाषाया संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। आगे चलिए, इत एव, इत का मतलब यहीं से, एव का मतलब ही, इत एव यहीं से ही संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत साहित्य च संस्कृते और संस्कृति का आलोक प्रकाश सर्वत्र हर जगह प्रसृत, प्रसृत का मतलब होता है। जैसे आप देखिए, इत एव यहीं से ही संस्कृत भाषा, सॉरी फिर से, इत एव यहीं से ही संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत साहित्य च और संस्कृते संस्कृति का आलोक प्रकाश सर्वत्र सभी जगह प्रसृत फैला। आगे देखिए, मुगल युवराज दारा शिकोह, मुगल युवराज दारा शिकोह अत्र यहां आगत्य आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणां भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अक्रोध अध्ययन किया। फिर से देखिए आप, मुगल युवराज दारा शिकोह, मुगल युवराज दारा शिकोह अत्र आगत्य यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणां भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अक्रोध अध्ययन किया। स, देखिए आगे कितना प्रभावित हुआ था, देखिए, स वह तेषां उनके ज्ञानी ज्ञान से तथा इस प्रकार या ऐसा प्रभावित प्रभावित अभवत हुआ यत् कि तेन उन उपनिषदां उपनिषदों का अनुवाद अनुवाद पारसी भाषाया पारसी भाषायाम पारसी भाषा में फारसी भाषा में कार्य करवाया। सोचिए वो कितना प्रभावित हुआ, उसे लगा कि नहीं यह काफी रुचिकर है। और चूंकि दारासी को संस्कृत को जानता नहीं था तो उसने अपने विद्वानों को बुलाकर उस उपनिषद का वेद का जो भी था सबका अनुवाद उसने जो है फारसी भाषा में करवाया और उसे पढ़ा। फिर से देखिए आप इसको, स वह तेषां उनके ज्ञानी ज्ञानी से तथा ऐसा प्रभावित प्रभावित अभवत हुआ यत् कि तेन उन उपनिषदां उपनिषदों का अनुवाद अनुवाद पारसी भाषाया
फारसी भाषा में कार्य करवाए। क्लियर है, आगे चलिए। इयम नगरी, यह नगरी, यह नगर विविध धर्माणां, विविध धर्मों की संगम स्थली, केंद्र स्थल। इयम नगरी, यह नगर विविध धर्माणां, अनेक धर्मों की संगम स्थली, संगम स्थली है, मिलन स्थली। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, हाँ, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, शंकराचार्य, कबीर, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, च और अन्य, अन्य दूसरे, बहुत बहुत से महात्मान, महात्माओं ने अत्र आगत्य, यहाँ आकर स्वीयान, अपने विचारान, विचारों को प्रसारयन् है। ऐसे देखिए आप, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, शंकराचार्य, कबीर, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, च और अन्य, अन्य बहुत बहुत से महात्मान, महात्माओं ने अत्र आगत्य, यहाँ आकर स्वीयान, अपने विचारान, विचारों को प्रसारयन् फैलाय। क्लियर है, ठीक है, आगे चलिए। देखिए, न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे, आप इसको थोड़ा सा उलट कर दीजिए, कि केवलम दर्शने साहित्य धर्मे, न केवल दर्शन साहित्य धर्मे, धर्म में न नहीं, अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यह नगरी विविधानां कलानां, विविध कलाओं, शिल्पानां, च शिल्पानां, और शिल्पों के कृते लिए लोके, संसार में विश्वता। फिर से देखिए आप, केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे न, केवल दर्शन साहित्य धर्म में नहीं, अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यह नगर विविधानां कलानां, विविध कलाओं, च शिल्पानां, और शिल्पों के कृते लिए लोके, संसार में विश्वता। विश्व का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, तो विश्वता प्रसिद्ध। देखिए आप, देखिए, केवल दर्शन साहित्य धर्म में नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी, यह नगर विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध। क्लियर है, आगे देखिए। अत्रत्या, यहाँ की कौशे, कौशे का मतलब होता है रेशमी, शाटिका का मतलब साड़ी, आप जानते हैं बनारस की साड़ी पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध। एक जमाना था कि वहाँ की रेशमी साड़ी, बांस, आपके गांव घर में होगा बांस, जब आप काटते हैं तो उसमें जितना छिद्र होता है, उस छिद्र में पूरे का पूरा, आप समझिए, वो साड़ी जो है समा जाए, इस तरह से, इस तरह का हस्तशिल्प था लोगों के अंदर, इस तरह की कला थी। तो वही लिखा हुआ है कि अत्रत्या, यहाँ की कौशेय शाटिका, रेशमी साड़ियां देशे देशे, देश विदेश में, सर्वत्र, हर जगह, स्पृहन्ते, पसंद की जाती हैं। आप लिख देंगे प्रसंद की जाती हैं, गलत, पसंद की जाती हैं। फिर से देखिए आप, अत्रत्या, यहाँ की कौशेय शाटिका, रेशमी साड़ियां देशे देशे, देश विदेश में, सर्वत्र, सभी जगह, स्पृहन्ते, पसंद की जाती है। और आगे है, अत्रत्या, यहाँ की प्रस्तर, पत्थर की मूर्तियां, मूर्तियां प्रथिता प्रसिद्ध, हिंदुस्तान में, बनारस में पत्थर की मूर्तियां जो है बहुत ही अच्छी बनाई जाती है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है इस लेसन में, आपको वाराणसी लेसन में, कि अत्रत्या, यहाँ की प्रस्तर मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां प्रथिता प्रसिद्ध। इयम, यह, यह का मतलब बनारस, इयम, यह, निजाम अपनी
प्राचीन परंपराम, प्राचीन परंपराओं का इदानीम अपि आज भी परिपालयति, पालन करती है। फिर से देखिए आप, इयम यह निजाम अपनी प्राचीन परंपराओं, प्राचीन परंपराओं का इदानीम अपि आज भी परिपालयति, पालन करती है। तथैव गीयते कवि, वैसा ही कवि भी कवियों के द्वारा गीयते गाया गया। तथैव उसी प्रकार कवि भी कवियों के द्वारा गीयते गाया गया। क्या गाया गया है भाई, देखिए आप आगे, मंगलम मणम यत्र विभूषि यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केन मायते। तो देखिए सीधा सा अर्थ है, यत्र जहां का मरणम मरना मंगलम मंगलकारी होता है। देखिए हमारे यहाँ, आपके यहाँ कोई भी किसी की मृत्यु होती है, देहांत होती है, तो वह चाहता है कि इस लाश को बनारस में जलाया जाए। हमारे धर्म में, आपके धर्म में है कि बनारस में जलाने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा मानना है। क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो लिखा है कि यत्र जहां का मरणम मरना मंगलम मंगलकारी होता है, यत्र जहां की विभूति राख भूषणम आभूषण होता है। अश्मशान का जो भस्म होता है, राख जो लाशें जलाई जाती हैं, उस लाश जो लाशें जलाई जाती हैं, जो वहां राख पैदा होता है भस्म, उसे ले जाकर लोग जो है शंकर जी के ऊपर लगाते हैं, वहां की राख को लोग अपने सिर पे लगाते हैं, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है कि यत्र जहां का जहां की विभूति राख भूषणम आभूषण, जहां का राख आभूषण होता है, यत्र जहां की कौपीनम लंगोटी कौशेयम रेशमी होती, या यत्र जहां की कौपीनम, कपून कौपीन का मतलब लंगोटी, यत्र जहां की कौपीनम लंगोटी कौशेयम रेशमी होती है, सा उस काशी, काशी को केन कैसे उपमायते मापा जा सकता है, उस काशी को कैसे मापा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बनारस के बारे में कोई कितना भी लिख डाले लेकिन उसे लिखा नहीं जा सकता, राइट। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं। आज इतना ही, कल नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।